हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हेन टू डू द प्रेगनेंसी टेस्ट। एग्जैक्टली कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हो। उसमें से सबसे कॉमन तरीका है USG यानी सोनोग्राफी, और दूसरा कॉमन तरीका है प्रेगनेंसी किट की मदद से। अपने पीरियड्स मिस होने के बाद किसी भी महिला के मन में सवाल उठते हैं कि एग्जैक्टली पीरियड्स मिस होने के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए और करेक्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। जब भी आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, यानी कि आप जब भी बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके संबंध करते हो, तो उसके कम से कम 21 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। वैसे पीरियड्स मिस होने के 5 डेज बाद भी आप टेस्ट कर सकते हो, पर अगर आप 7 to 10 डेज के अंदर ये टेस्ट करोगे तो आपको करेक्ट रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की प्रेगनेंसी किट्स आपको मिल जाती है। अगर आपकी एक किट से टेस्ट करके निगेटिव दिखा रही है तो आप दूसरी किट भी यूज़ कर सकते हो और उसमें चेक कर सकते हो। टेस्ट कैसी करनी है ये सब किट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, सब प्रोसीजर समझाई रहती है। पर आप जब भी टेस्ट करोगे तब आपको मॉर्निंग की फ्रेश यूरिन ही लेनी है ताकि आपको करेक्ट रिजल्ट्स मिल सके। आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।